नमस्कार किसान भाइयों, टैग किसान फार्मी राठौर चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम नंगला कबीर गांव आए हैं और यहाँ पे भाई की 0238 की पेड्डी खड़ी है। ये अजय कुमार जी हैं, तो इनका उनका थोड़ा सा परिचय ले ले। नमस्कार जी। नमस्कार जी, अपना परिचय करा दो अच्छे से एक बार। मेरा नाम अजय कुमार। हाँ जी। पिता का नाम राजबीर सिंह, गाँव नंगला कबीर। नंगला कबीर, हाँ, तहसील जानसर, जिला मुजफ्फरनगर। अच्छी वैरायटी कौन सी आपकी? अभी 0238। 0238 की पेड्डी आपकी है। ये किस टाइम की कटी हुई है? ये मतलब मार्च के महीने की कटी हुई है। मार्च की कटी हुई है। और ये जो है बुआई किस मेथड से थी इसकी? बोर्ड जब आपने बोया था, बस वही आम 30 इंची पर। अच्छा, 30 इंची पर सारा खेत आपने लेगा। पर एक कमाल तो ये नीचे से पूरी कटी है, पोगे वगैरह छोड़ के पूरी कटी। ये फरवरी में कट गई थी आपकी? फरवरी में। तो देखो दोस्तों, फरवरी में कटने से क्या परिणाम इन्हें मिला मेरे को नहीं पता क्या हुआ है। 38 ही है कुछ, 18-12 तो नहीं है? 38 ही है। देखो जी कितनी अच्छी बढ़वा चल रही है और फुलावट भी बहुत अच्छी आ गई। क्या रोग वगैरह की मार भी लगी इस खेत में? लगी एक बार। क्या टॉप बोरर ज्यादा परेशान करे? बस एक स्प्रे में खत्म हो गया। कौन सी स्प्रे करी आपने? नाम मेरे ध्यान नहीं, घर रखी बोतल एक करोजन करी थी। वो क्या करे, हारू तो था ही। एक मेरे दोस्त ने दवाई दी। अच्छा अच्छा, जो थी क्रोजेंट के नाम से? हाँ, क्रोजेंट के नाम से। वो ये जैविक में है क्या? नहीं जैविक में नहीं है। ये जैविक में नहीं है ना? तो क्रोजेंट अच्छा काम करे। किस चीज के लिए दी है ये? इसके लिए दी थी, टॉप बोरर ना आवे, सुंडी ना आवे। अच्छा, सुंडी का ट्रीटमेंट क्या लगा आपने जो क्रोजेंट करी? अच्छा रिजल्ट है इसका। बेस्ट रिजल्ट। अन्य दवाई भी आप कर रहे हो, ये भी करी आपने, तो किस में ज्यादा बेनिफिट आपने दिया? बेस्ट रिजल्ट और मंदी है क्रोजेंट। अच्छा, करने का समय क्या रहा आपका? जैसे बता रहे दवाइयां वगैरह कम काम कर रही है, करने का समय क्या रहा? सुबह करी शाम करी? क्रोजेंट तो सुबह करी, अपना पानी दे दिया और जो दवाई करी स्प्रे करी वे सब शाम के टाइम। यानी क्रोजेंट जो आपने करी है सुंडी का ऊपर की तरफ से ट्रीटमेंट दिया है, तो वो शाम के टाइम ही करा? नहीं, वो तो सुबह करा। क्रोजेंट सुबह करी थी? हाँ, सुबह करके पानी चालू कर दिया था खेत। अच्छा 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 अच्छा। और जो और ये हारू और होसी वगैरह ये करी, और आपकी है क्लोरोसाइफर, ये सब शाम को करी 5 बजे के बाद। अच्छा अच्छा। तो ट्रंच वगैरह नहीं बोते आप? ना, ट्रंच का नहीं बोया। तो इसमें आपको ज्यादा लगा पहले से आप जो करते आ रहे, इस बार कुछ ज्यादा लगा कुछ अच्छा? अब की बार कुछ अच्छा फायदा है। पर इस बार रोग की मार भी बहुत ज्यादा है, जैसे मैं देख रहा हूँ परी की तरफ एक गन्ना खड़ा है। देखो दोस्तों, ये टॉप बोर्ड में से निकल के चला है, ये जो खड़ा है देखो, ये पोका की मार है जी। ये कटिंग सेटिंग आगे पोका की मार है, पीलापन जो आपने दिख रहा है, ये पत्ती में हल्का सा कट है, ये पोका की मार इसमें लगी है। और उस साइड मेरे को दिख रहा है एक पत्ती, सामने की तरफ भी दिख रही है। देखो दोस्तों, ये देखो ये पत्ती भी दिख रही है, ये भी पोका मार है। तो इसे आपने ये क्या क्या दिए? आपने जो बोलते हैं इसे फर्टिलाइजर वगैरह कैसे दिए? फर्टिलाइजर पहले पानी से स्टार्ट कर दिए थे? नहीं, दूसरे पानी से। क्या क्या डाला? बस 4-5 धड़ी तो यूरिया डाला था मैं 4 बीघे खेत में, और बस उसके बाद मैंने डाई बखेर के और वो आपका कारटाप बखेर के और मिट्टी चढ़ा के पानी दे दिया। ये कारटाप 2 किलो का बिका डाली हो के? हाँ, 2 किलो का। कारटाप से 4G या 10G है शायद पैकेट पड़ेगा। चलो चलो, अब ये सीसी ले रहे हो आप? ये अच्छे क्रोजेंट साल्ट है। हाँ देखो दोस्तों, ये है वो क्रोजेंट साल्ट बायो फर्टिलाइजर। ये रसायन में नहीं है, बायो में है। कहाँ का माल है? मेड इन जापान का माल है जी, क्रोजेंट के नाम से जो आ रहा है यहाँ पे। और टेक्निकल साल्ट इसमें क्या है जी? इसमें टेक्निकल साल्ट नहीं लिख रहा इसका। बायो में साल्ट नहीं रहता, टेक्निकल साल्ट कोई भी। चलो, बायो के अंदर कोई साल्ट वगैरह नहीं दिया। तो कितने बीघे की है ये? 5 बीघे की। 5 बीघे में काम करे, कुछ ऐड भी कर सकते हैं? हाँ जी। तो थोड़ा सा मेरे को ये बताओ, इसकी साथ में ऐड क्या क्या कर सके? इसकी साथ में अगर करना चाहे यूरिया बस, और किसी तरह कीटनाशक नहीं कर सकते? तो दोस्तों, इस चीज का विशेष ध्यान रखना कि आप कुछ नहीं, इसके अलग अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकते। तो ये आप डेमो में स्टार्ट लगाई है? एक ही बार की आपने? एक बार में कवर कर दिया? एक ही बार। तो ये कंपनी के प्रतिनिधि है, आप भी परिचय दे दो अपना एक बार। मेरा नाम अर्जुन सिंह, गांव बेड़ासा, और जीपी त्रिवेणी बायो फर्टिलाइजर का MD हूँ। अच्छा जी, आप MD हैं, तो इसमें डेमो वगैरह खूब लगवाई आपने? जहाँ पे लगवा दी कोई शिकायत वगैरह कुछ आई? अभी तक तो कोई शिकायत नहीं आई, क्योंकि मेरे को आप घूमने का है, मैं जरूर कुछ ना कुछ जिगाड़ के लम्बा। कुछ भी जहाँ भी जाओगे मैं सारों के एड्रेस दे दूंगा, अगर एक भी शिकायत मेरे पास आगी तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। तो यानी कि कुछ है विश्वास कंपनी? विश्वास है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को विराम देता हूँ।
देखो दवाई अच्छी बता रहे हैं, जैसे मेरे को यहाँ पे दिखाया गया है ना, वाके के बार करके देख लो तो कोई बुराई नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, वैसे टाइम तो निकलेगा सुंडी का। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।